हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपके बच्चेदाने का मुंह खुल चुका है, आपका बच्चे से मिलने का समय आ चुका है, तो आपको कैसे जानकारी मिलेगी खुद से। ऐसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चेदाने का मुंह खुला है या फिर नहीं खुला है, लेकिन बहुत केसों में क्या होता है कि बहुत मिनिमम केसों में डिलीवरी से पहले खुल जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है उससे कुछ देर पहले या फिर उसी दिन खुलता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो सर्विक्स है वो ओपन हो चुका है, और डिलीवरी के लिए आपके सर्विक्स का कितना ओपन होना ज़रूरी होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं सर्विक्स ओपन होने के बाद, क्या क्या चीज़ें होती है आपके साथ, तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों, रिलेटिव और फैमिली के साथ। जो जो प्रेग्नेंट है उनके पास स्पेशली भेज दीजिए, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, और अगर उनको कुछ जानकारी नहीं हो तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके जानकारी। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चेदाने का मुंह जो होता है, सर्विक्स ओपन होना कब से स्टार्ट होता है। तो सर्विक्स ओपन आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं होता है, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। इससे आपका पता चलता है कि आपके डिलीवरी का टाइम आ चुका है, आपका डिलीवरी होने वाला है, उसी टाइम पे आपका सर्विक्स ओपन होता है। कई कई लोगों का 8 मंथ से भी खुलना स्टार्ट हो जाता है, 8 मंथ एंड या फिर 8 मंथ स्टार्टिंग में खुलने लगता है, या फिर 9 मंथ में आप जब इन करते हैं तब खुलने लगता है। किसी का डिलीवरी के 1 दिन पहले खुलता है, मेरा डिलीवरी से 1 दिन पहले खुला था, लेकिन सबसे पहले जब आपका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ऐसे सर्विक्स ओपन नहीं होता है। सबसे पहले आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आपका एक लिक्विड थिक डिस्चार्ज होता है, तो वो हर ट्राइमेस्टर में होता है। आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, थिक डिस्चार्ज होता है। वो थोड़ी थोड़ी देर पे थिक डिस्चार्ज निकलता है, लेकिन जैसे पीरियड से पहले डिस्चार्ज होता है सेम वही डिस्चार्ज होगा, और हल्का आपको पेन्स भी हो सकता है, पेट में पेन्स हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, कमर में पेन हो सकता है, ये सब होता है। जैसे आपको पीरियड्स में पेन आता है सेम आपको वही पेन होगा लास्ट ट्राइमेस्टर में, एंड आपका थिक डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन आपकी फर्स्ट डिलीवरी है, तो बहुत 18 घंटा भी टाइम ले लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर आपकी सेकेंड डिलीवरी है तो 5-6 घंटे में भी हो जाता है, या फिर 10 घंटे में भी हो जाता है, किसी किसी 18-20 घंटे भी लग जाते हैं, तो डिलीवरी का कोई टाइमिंग नहीं है। मेन होता है कि आपका सर्विक्स जितना जल्दी ओपन होता है उस टाइम पे आपकी डिलीवरी उतनी जल्दी होती है, तो सर्विक्स पहले ओपन नहीं होता है। किसी किसी का 8 मंथ से, या फिर जब से आपका 40 वीक लगता है, 41 वीक तब से स्टार्ट हो जाता है सर्विक्स ओपन होना, लेकिन मेरा जो है 40 वीक से पहले नहीं ओपन हुआ था, 9 मंथ्स में भी मेरा ओपन नहीं हुआ था, लेकिन मेरा जिस दिन डिलीवरी डेट है उस दिन दोपहर से मुझे हल्का डिस्चार्ज बढ़ गया था। एंड आपको पॉटी और सुसु की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है उस टाइम पे, जिस दिन अगर आपकी सर्विक्स ओपन हो रही है, जिस दिन आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो उससे पहले आपको पॉटी सुसु बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकता है, आपको कमर में ज़्यादा दर्द हो सकता है, आपका आपको कुछ अलग खाने को मन कर सकता है। ये सब चीज़ें हैं जब आपकी डिलीवरी नज़दीक आती है, सर्विक्स तभी ओपन होता है जब आपकी डिलीवरी नज़दीक आती है, जब आपका डिलीवरी का डेट रहता है तभी आपका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। सर्विक्स ऐसे ओपन नहीं होता है, सर्विक्स ओपन होने से, या तो ओपन होने से पहले आपका पानी का थैली फट जाएगा, या फिर पानी का थैली आप
आपका सर्विक्स ओपन होने के बाद फटेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये अपना कई बार तो मेरे साथ तो मेरा पहले सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो गया था, टू फिंगर्स में ऑलरेडी घर पे डायलेटेड हो गई थी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई थी और उसके बाद उन लोगों ने मेरा पानी का थैली जो है फाड़ा था। तो आपका डिस्चार्ज वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। वो आपका म्यूकस प्लग भी पहले बाहर निकल जाएगा, उसके बाद आपका डिस्चार्ज होगा। तो कुछ भी ऐसा आपको देखने मिले तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अगर आपका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो गया तो फिर आपको ज़्यादा देर घर में रहना सही नहीं है। आपका सर्विक्स डायलेटेड होने लगा तो आप हॉस्पिटल चल जाइए, क्योंकि सर्विक्स जब ओपन होता है तो आपको पेंस के साथ जैसे जैसे वन फिंगर में आपको थोड़ा दर्द होगा, जैसे आपका प्रेयर्स में दर्द होता है, टू फिंगर में उससे ज़्यादा दर्द होगा और थ्री फिंगर में उससे ज़्यादा होगा। जैसे ही फोर फिंगर तक आते हैं आप, उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको आने लगा है, आपको लग रहा है कि मेरा सर्विक्स ओपन हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, तो आप हॉस्पिटल चले जाइए और वहाँ पे वो लोग अपना जो है वो लोग कर ही लेते हैं। सर्विक्स खुलता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, वो धीरे 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 करके आपका दर्द का लेवल बढ़ते जाता है। और जो वो लास्ट स्टेज होता है, बिना मतलब उसका दर्द का कुछ एंड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। वैसा दर्द तो मैंने आज तक नहीं सहा है, लेकिन लास्ट में वो दर्द होता है और कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ मतलब मिनट के लिए होता है वो दर्द, और उतने वो लास्ट के दर्द में ही आपका बच्चा होता है। और ये जो दर्द होता है, ये सर्विक्स जब ओपन होना स्टार्ट होता है तो ये तो उसके सामने फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी दर्द होता है। तो बिना दर्द का आपको नहीं होता है। और अगर आप चाहते हैं एपिड्यूरल लेना, तो अगर बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए होता है। अगर आपको एपिड्यूरल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, आप जिससे डिलीवरी करवाने वाले हैं उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हो सकते हैं, उनको वहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप नेचुरल पेन से करवाते हैं तो बेस्ट है। दर्द सहने की वजह से सी सेक्शन करवा लेते तो बिल्कुल गलत है ये। आप थोड़ा देर का दर्द तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उस टाइम का दर्द आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी भर का हो जाता है कि हाँ आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको भारी में उठाना, तो ये सबसे आप बच सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, आप जानबूझकर मत जाइए सी सेक्शन की तरफ, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, बच्चा होने के बाद आप पता भी नहीं चलेगा कि आप डिलीवरी करवाए हैं या फिर कुछ ऐसा। जो भी 15-20 दिन अगर आपको टाका लगा हुआ है, मुझे तो टाका लगा हुआ था, अगर आपको टाका को कैसे हील करना है उसके बारे में आपको वीडियो देखना है तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया हुआ है, मेरा बहुत ज़्यादा टाका लगा हुआ था और बहुत कैसे मैंने हील किया, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं रील्स फैशन एंड रेगुलर अपडेट लाती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।